नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंडक्शन कुकर को मिल्क मोड प्रॉब्लम दूर करेंगे। और ये हमारा एवर रेडी का IC201, इसका मॉडल नंबर है, ये आया हुआ है। और इसमें मिल्क मोड का प्रॉब्लम है, जिससे बर्तन बहुत देर बाद गर्म होता है और थोड़ी देर गर्म होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर गर्म होगा और फिर बंद हो जाएगा। इसी को हम मिल्क मोड कहते हैं। देखिए, हमने इसको ऑन कर दिया है और 2000 वाट पर कर दिया है, लेकिन ये फिर भी बहुत देरी में गर्म होगा और बहुत धीरे धीरे हीट होगा, और हीट होने के बाद फिर वापस से बंद हो जाएगा, और बंद हो जाने के बाद फिर से चालू होगा, लेकिन फिर बंद हो जाएगा, फिर चालू होगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इसी को हम मिल्क मोड कहते हैं। और ये इस बर्तन को लगभग 1 से 2 मिनट के बीच में इस पानी को उबलना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही लंबे समय के बाद थोड़ा सा हीट होगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इसी फॉल्ट को आज हम दूर करेंगे, जिसको मिल्क मोड कहते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करेंगे, तो इसको 2 मिनट तक हम वीडियो को चालू करके देखते हैं कि हमारा कितनी समय लगता है और जल्दी ये हीट नहीं होता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये अभी तक देखिए, इसमें कोई भी हीटिंग नहीं हुई, 2 मिनट हमने इसको पूरा लगा करके देख लिया, और अभी तक ये इसमें किसी भी प्रकार का हीटिंग नहीं हुआ है। तो इतनी देर में इस पानी को उबल जाना चाहिए, और इस प्रॉब्लम के चलते ये बराबर हीटिंग इसमें नहीं हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारा फॉल्ट किस सेक्शन में है, और उस सेक्शन में तभी हमें क्या क्या पार्ट इसमें ख़राब हो जाने के कारण से इसमें इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब इसमें बताएंगे। तो अक्सर इसमें किस प्रकार के फॉल्ट हो जाने के कारण इस तरह का फॉल्ट इसमें आता है, तो हम इसको खोल लेते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको खोल लिया हुआ है, और इसमें क्या क्या पार्ट ख़राब हो जाने के कारण से ये इस तरह का फॉल्ट आता है। तो इसमें जो IGBT हमारा होता है और रेक्टिफायर डायोड होता है, उससे भी संबंधित होता है ये फॉल्ट। और इसमें ये जो प्रीसेट लगा हुआ है, ये भी ख़राब हो जाता है, तब भी इस तरह का फॉल्ट आते हैं। और हमने इसको बदल कर देख लिया है, और हमने इसको चेंज भी कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा फॉल्ट ये दूर नहीं हुआ है। और यहाँ से ये ट्रैक जाती है, यहाँ 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, जो कि हमारे IGBT और जो रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ होता है, इससे वो ग्राउंड हुआ रहता है। ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है, तो ये जो उसमें ग्राउंड का सिग्नल जितना कमज़ोर आएगा, उतना हमारा इंडक्शन स्लो हीट होगा, जिससे कि वो मिल्क मोड में हो जाता है। तो जो IC को जो पल्स जाती है, और वो जब उसमें कम मिलता है उसके पल्सेस, तब ये मिल्क मोड में चला जाता है। तो ये 1K का रेजिस्टेंस हमारा ये भी ख़राब हो जाता है, तब भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो हमने इस रेजिस्टेंस को भी चेंज कर दिया, और इस प्रीसेट को भी चेंज कर दिया है, फिर भी हमारा फॉल्ट ये दूर नहीं हुआ है। तो कभी कभी इसमें जो हमारे IGBT से ग्राउंड का सिग्नल आता है, जो उस पर जम्पर लगे हुए होते हैं, तो कभी कभी वो ड्राई सोल्ड हो जाता है, इसके लिए भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो ड्राई सोल्ड को भी हम रिसोल्ड कर देंगे, और रिसोल्ड करने के बाद फिर देखेंगे कि हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं। तो हमने इसमें अधिकतर इस तरह के फॉल्ट में केवल वही प्रीसेट
खराब हो जाता है या ये रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस भी चेंज कर दिया और प्रीसेट भी चेंज कर दिया और फिर भी ये हमारा फॉल्ट भी दूर नहीं हुआ है। तो ये जो इस प्रीसेट पर जो आईसी से पल्स आती है और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से वो ग्राउंड से सिग्नल जाता है हमारे आईसी के, इन दोनों के ही ख़राब हो जाने के कारण से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। या तो हमारी आईसी ख़राब हो जाती है, और ये हमारा जो जम्पर लगा हुआ है इसको हम एक बार से रिसोल्व करके देखेंगे तो हो सकता है कि चालू हो जाए। यदि ये फॉल्ट हमारा दूर नहीं होता है तो हो सकता है आईसी ख़राब हो, तो हम देखेंगे पहले, इसको हम पहले रिसोल्व कर देते हैं और रिसोल्व करने के बाद फिर देखते हैं हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं। तो जब भी आप इसको रिसोल्व करें तो इस रूट की सारी जो ट्रैक हैं, जो इस ग्राउंड से होकर के जम्पर के माध्यम से जो रेजिस्टेंस पर आती हैं, और यहाँ एक पीएफ भी लगा हुआ होता है जिसकी वैल्यू 104 पीएफ होता है, और वहाँ से लेकर के प्रीसेट तक आपको ड्राई सोल्व करना है। तो रेजिस्टेंस और प्रीसेट को हमने नया लगा दिया है तो उसको ड्राई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम इसको लगा के देखते हैं। तो हमने इसको चेक किया और ये फिर भी अभी भी हमारा फॉल्ट बना हुआ है, हमारा फॉल्ट ये दूर नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ जो प्रीसेट से उस रेजिस्टेंस का जो ट्रैक है, हम पहले उसको चेक करेंगे कि कहीं यदि बीच में हमारा ट्रैक टूटा हुआ है या कटा हुआ रहेगा तो भी ये पल्स नहीं पहुँचेंगे आईसी तक, जिसके कारण से इस तरह के भी फॉल्ट आ सकते हैं। तो जब भी आप सारे पार्ट को आप चेंज करने उसके बाद भी यदि आपका फॉल्ट दूर नहीं होता है तो आपको ट्रैक ज़रूर से ज़रूर चेक करना होगा। तो इसके लिए मल्टीमीटर को लेकर के इसको बजर रेंज में रखेंगे जिसमें बीप की आवाज़ आती है ये इस तरह से, और जिस कंपोनेंट तक के हमें ट्रैक को चेक करना है उसी के दोनों सिरों पर रेड फ्राब और ब्लैक फ्राब को रखेंगे। जैसे कि हमने एक प्रीसेट के एक पॉइंट पर और एक इस प्रीसेट से लेकर के जो रेजिस्टेंस पर हमारा जो ट्रैक जाता है हम उस पर रखेंगे, तो इससे हमारा फॉल्ट ये पता लगेगा कि हमारा ट्रैक टूटा हुआ तो नहीं है। तो ये ट्रैक जो हमारा यहाँ जा रहा है यही ट्रैक हमको चेक करना है कि इसी पर ये पल्स आती हैं। तो ये ट्रैक हमारा इस पर मीटर पे कंटिन्यूटी रेंज में हमें कुछ बता नहीं रहा है, जिसमें इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये ट्रैक हमारा जो यहाँ से गया हुआ है इसको हमको घस कर देखना पड़ेगा, कहीं टूटा हुआ ट्रैक हो सकता है। तो यहाँ शायद हमारी पिन जो है ये कुछ रुक रही है, अड़क रही है, तो हो सकता है यहाँ टूटा हुआ है। तो हम आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर हमारा ट्रैक ये कट गया है, जिसके कारण से ये पल्स हमारे आईसी तक नहीं जा रहे थे, जिससे ये इस तरह के फॉल्ट आ सकते हैं। तो अभी हम इस ट्रैक को जोड़ देंगे। यदि आप इसमें कोई वायर लगा देंगे 2-4 इंच के तो ये इसका मान बढ़ जाएगा, और इसका मान बढ़ जाने के कारण से कोई और फॉल्ट आ सकता है या कोई और एरर कोड बताएगा। तो इसमें कोई तार लंबा सा ना जोड़ें और इसी ट्रैक को खोरच करके इसी में एक जम्पर लगा दें, जैसा कि हम इसमें लगा रहे हैं। अब इसमें हमने जम्पर को लगा दिया है और लगाने के बाद फिर से हम वापस इसको सेट में लगा करके चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट दूर हुआ या नहीं। यदि अब ये ट्रैक टूटा हुआ था जिसके कारण से हो सकता है हमारा फॉल्ट ठीक हो जाए, और यदि अब भी हमारा फॉल्ट ठीक नहीं होता है तो फिर ये आईसी ख़राब हो सकती है, जिसके पूरे चांसेस हैं। अब ये ट्रैक को हमने जोड़ दिया है वापस,
और अब इसको लगाए हम सेट में, इसको लगा करके चेक करेंगे हमारा फॉल्ट दूर हुआ नहीं। यदि हमारा फॉल्ट दूर हुआ रहेगा तो 1 से 2 मिनट के बीच में हमारा पानी जो हम इसमें गर्म करेंगे वो 1 से 2 मिनट के बीच में वो उबलने लगेगा। यदि हमारा फॉल्ट दूर नहीं हुआ रहेगा तो ये फिर से वापस में मिल्क मोड में ही रहेगा। तो हम कुकर को ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद इसको 1.5 मिनट से 2 मिनट तक वेट करेंगे। हमने इसको 2000 वाट पर रख दिया है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पानी से भाप निकलने लगी है, और यदि हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है तो ये पानी अब उबलने भी लगेगा। अभी ये बंद नहीं हो रहा है, और पहले बंद हो जाता था इतनी देर में। अब हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।